क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रहे हो। हो पाएगा? तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर लूंगी। नायरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें सॉरी कैसे बोलूं। ये सारा टेंशन हुआ तो मेरी वजह से है ना। मुझे तुम्हारा ये नाम बहुत क्यूट लगता है। अब तक तो मुझे भी लगता था, लेकिन अब भी क्यूट ही है, हमेशा रहेगा। टेंशन का कारण बना हुआ है अभी। पता नहीं ये फैमिलीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। फैमिलीज का तो पता नहीं, शादियां जरूर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अनन्या दी की शादी, भाई की शादी, सब में कुछ ना कुछ इश्यूज थे। हाँ, और हमारी शादी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब हमने डिसाइड कर लिया है ना, तो अब ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। उससे टेंशन खत्म थोड़ी होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। कहीं युद्ध ही ना हो जाए। तुम्हें नींद आ रही होगी, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। फोन मत काटना प्लीज, ऑन ही रहने दो। सैंपल कार्ड रेडी है सर, आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए ताकि हम प्रिंटिंग के लिए भेज सकें। सैंपल कार्ड मतलब हमने किसने दिया तुम्हें? कार्तिक सर ने दिया था कल रात मैटर, और कहा था एक सैंपल छपवा दो। अरे एक मिनट बेटा, खुश एक मिनट। Mr. Naiting Singhania and Mr. Manish Goenka request your presence and blessing for the engagement of their son and Dr. Kartik and Naira. जो लिखा है पढ़ो ध्यान से। वही तो पढ़ा था जी। अरे मैं पढ़ता हूँ। सन एंड डॉटर कार्तिक एंड नायरा। कार्ड तुमने छपवाया किट्टू? नाम में गलती हो गई है। जी ठीक है, बिल्कुल। हमने तो सुमेधा। जी मुझे ध्यान है उस बात का, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं यही तो कल आपसे कह रहा था दादी कि हमें कोई ना कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सब ठीक हो जाए। जी कल मैंने और नायरा ने डिस्कस किया इस बारे में और फिर ऋषिकेश के एक बहुत बड़े महाराज जी हैं, उनसे बात की। नायरा ने मुझे एक बार बताया था उनके बारे में कि उनके पास हर चीज का उपाय होता है, तो उनसे ही पूछा और उन्होंने कहा कि नाम बदलने के अलावा भी एक उपाय है कि मुझे और नायरा को निर्जल निराहार 11 सोमवार व्रत रखना होगा, इसलिए पहला व्रत हमने कल ही रख लिया। पर बेटा दादी आप ही तो हमेशा कहती है कि इंसान की भावना सच्चे हो तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। और अगर आपको कोई शक हो या महाराज जी से बात करनी हो तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है सुहासिनी देवी, ये भी एक उपाय है और बिल्कुल सही उपाय है। आपको बुरा तो नहीं लगाना दादी, हमने आपसे बिना पूछे। दादी आपकी चिंता देखकर हम भी परेशान हो गए थे, इसीलिए रास्ते खोज रहे थे और हमें मिल गए। बाकी आपकी बात को इग्नोर नहीं किया है हमने, ना ही मैंने और ना ही कार्तिक ने। और अगर कभी भी ऐसा करे ना तो आप 2 थप्पड़ लगा दीजिएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।